हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बी एट डिटेनिंग सो लेट्स स्टार्ट टूडेज़ फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस रैपिडली हम करेंगे फास्ट करेंगे बिकॉज अभी और हमारे पास टाइम नहीं है सो so हम पूरे पेपर को कवर करने वाले हैं जितना भी हो सके पॉसिबिलिटीज में हम कवर करेंगे ओके okay? सो so, मैं उसके बीच ही आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊँगी कैसे आपको रिमेंबर करना है शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगी सो फर्स्ट थिंग ये जो क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू योर ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री पीरियडिक टेबल में आपका जो ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप वन ऐसा है तो उसमें से आपका ग्रुप वन एंड ग्रुप टू का है ठीक है ग्रुप वन एंड ग्रुप टू का है नॉर्मली एंड uh, इसको हम नॉर्मली और क्या बोल सकते हैं हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दिज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज इनके जो कन्फिग्रेशन होते हैं ना इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनके कन्फिगरेशन क्या है एन एस एन एस वन और एन एस टू दैट मीन्स उनके आउटर मोस्ट बैलेंस सेल्स में एन एस वन होगा या फिर एन एस टू होगा राइट सो अभी चलते हैं यहाँ पर आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ कुछ पॉइंट्स दैट इज़ यहाँ पर जो ग्रुप वन है तो ग्रुप वन एस प्लॉ के एलिमेंट्स को हम मैंशन करते हैं अलकली मेटल्स एंड जो ग्रुप टू है दैट इज़ अर्थ अल्कलाइन मेटल्स हैं ठीक है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और द अर्थ अल्कलाइन मेटल्स तो अभी क्या है अलकली मेटल्स जो हैं वो वहां ना कुछ कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा उसके कितने एलिमेंट्स हैं उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है लीना को रुब्रिक्स पसंद है फरान लीना को रुब्रिक्स पसंद है फरान दैट इज एल फॉर लिथियम लीना का एल लिथियम एने सोडियम लीना को फॉर हम यहाँ पे पोटेशियम बोलेंगे लीना को पसंद है तो आर यू रूब्रिक्स के लिए हम लोग यूज किया uh, आप बोल सकते हैं that is And उसके बाद आया CS, rubrics, CS आएगा तो सी एस में सीजियम एंड लास्ट आया फरान दैट इज अलडियम आप मैंशन कर सकते हैं ठीक है तो ये सारे का लास्ट अगर आप देखोगे ना कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा एस वन आएगा या एन एस टू टू आएगा तो स्पेशली ये अलकाली मेटल्स है मैंने मेंशन किया था कि ये अलकाली मेटल्स है तो इसका सारा कन्फिग्रेशन लास्ट में एनएस वन आएगा एन एस वन आएगा सो लेट स्टार्ट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताऊंगी उसी के बेसिस पे एंड नेक्स्ट आपका जो हाँ ग्रुप टू हमने ग्रुप टू का नहीं बोला तो ग्रुप टू का आप याद रखोगे याद रखने के लिए मैंशन करना बी एम सी सबर करो दैट इज बी एम सी सवर करो वी यहाँ पे बी स्टार्ट होता है दैट इज बी ई बेरिलियम बेरिलियम से स्टार्ट होगा एम फॉर मैंगनीज एम जी बी एम सी सी फॉर यहाँ पे आएगा नॉर्मली आपका नॉट कार्बन यहाँ पे आएगा आपका सी ए दैट इज कैल्शियम देन बी एम सी के बाद आता है सवर करो दैट इज अस एज फॉर स्ट्रोनसियम देन एस के बाद आएगा अगेन बी दट इज़ बी ए बैरियम दैन सवर आर आर फॉर यहाँ पर आपका आर ए है रेडियम आप मैंशन कर सकते हो रेडियम ओके okay? सो so इतना है एंड इसमें आपको मैं और कुछ पॉइंट्स बता रहा दैट इज लेटेस्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग देखना है सॉलिविलिटी के अकॉर्डिंग हीट जनरेशन के अकॉर्डिंग दैट इज़ अंथल्पी पॉइंट आइनाइशियन एंथाल्पी एंड हाइड्रोशन एंथल्पी तो उसके अकॉर्डिंग याद रहेगा जहाँ पे भी मैग्नीशियम दिखे तो मैग्नीशियम इन सॉलिवल्स हैं ठीक है and उसका उस ग्रुप में क्या होता है बेरियम बेरियम दैट इज बेरिलियम टू ऐसे मूव करेंगे हम हाँ. उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग ऐसे मूव करेंगे ठीक है बेरिलियम एंड बेरियम ये सोलिबुल है सोलिबुल है वाटर में बट आपका मैंगनीज जो है क्या मतलब मैंगनीज uh, आपका नहीं है ठीक है सॉरी दैट इज अ मैग्नेशियम नॉट मैंगडीज बाई मिस्टेकली मैंने बोल दिया एम जी के अकॉर्डिंग तो एम जी इज मैग्नीशियम इतना याद रखेंगे तो उसके पेसेस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले अभी सल्फेट के बेस पे हाइड्रेट के फॉर्म पे तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी देखेंगे एंड उसके साथ जो जो पॉइंट्स आएंगे उसको मैं मैंशन करते जाऊंगी अच्छा द लोएस्ट सॉलिबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन दट इज द लोएस्ट सॉलिबिलिटी ऑफ बी एस ओ फोर इज ड्यू टू डैश तो यहाँ पे याद रखिएगा हाई लेटेस्ट एनर्जी की वजह से लोएस्ट सॉलिबिलिटी बी एस ओ फोर शो करता है बी एस ओ फोर बेरियम सबसे लोएस्ट में है इस ग्रुप में ग्रुप टू में सो दैट हाई लेटेस्ट एनर्जी उसको इफेक्ट करता है

विच ऑफ़ द हैज़ द हाइस सॉलिबिलिटी इन एस टू ओ एस टू ओ में हाइस सॉलिबिलिटी किसका है दैट इज़ बी ए ए एस ओ फोर सी ए एस ओ फोर एम जी एस ओ फोर बी ई एस ओ फोर मैंने मैंशन किया था आपको कि व्च ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइस्ट सॉलिबिलिटी इन वाटर वाटर में अगर एलिमेंट फॉर्म पर रहता है तो एलिमेंट के फॉर्म पर बेरिलियम दैट इज अ बहुत ही सॉलीबल है बट एम जी सॉलिबल नहीं है बट एस ओ फोर जब लग जाता है तो एम जी एस ओ फोर ये कंपाउंड बन गया एंड मैग्नेशियम सल्फेट की वजह से ये हाएस्ट सॉलिबिलिटी शो करेगा तो हैज़ हाइस्ट सॉलिबिलिटी इन एस टू ओ तो आपका आंसर हो गया दैट इज़ द

ठीक है स्ट्रॉनसियम में आएगा दैन यहाँ पे क्या आएगा रेडियम है तो आर ए एंड बेरिलियम के बाद अगर बी ई हो गया तो उसके बाद जो भी आता है दैट इज अ बेरियम बेरियम तो यहाँ पे मेंशन करिए देखिए हुच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ हाइस्ट आइनाइशियन पोटेंशियल ऑब्वियस याद रखिएगा मैग्नीशियम हाइस्ट आइनाइशियन पोटेंशियल शो करता है सब में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम आइनाइशियन पोटेंशियल शो करता है ठीक है अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसको मैंने निकाला था बट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुए जहाँ से भी मैंने कलेक्ट किया तो वो क्लियर नहीं हुए उसके बाद से फिर कलर uh, मतलब क्लियर आएंगे दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ़ द दॉलीबिलिटी ऑफ़ द सल्फेट्स अभी सल्फेट फॉर्म्स में अभी हमने पढ़ा था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इज अ ग्रुप टू एंड आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो उतने सब कुछ हैं तो उसके सल्फेट फॉर्म्स दैट इज बी ई एस ओ फोर अगर सल्फेट फॉर्म्स में आएंगे तो बी ई एस ओ फोर ज्वाइन कर दीजिए अगर एम uh, जी है तो एम जी एस ओ फोर आएगा बेरियम है तो आपका बी ए एस ओ फोर होगा देन सी ए है तो सी ए एसओ होगा राइट एस आर होगा तो अभी मैंशन किया गया है दैट इज इसमें से द करेक्ट ऑर्डर ऑफ़ दॉलिविलिटी सॉलिबिलिटी सल्फेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको मेंशन किया था कि हाई सॉलिबिलिटी कौन से होता है एम जी एम जी एस ओ फोर के थ्रू बट यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर ऑप्शन में बेरिलियम होता है तो हम बेरिलियम डालते हैं तो बेरिलियम से जिस ऑर्डर में वो प्रेजेंट है सिक्वेंस में उसी ऑर्डर को आप मैंशन करिएगा तो ये है आपका बी ई देन अत्या बी एम सी देखिए मैंने अभी भी बताया था बी एम सीट्रियम देन बेरियम यही है उसका परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अलिमेंट वाइज जो उसका सब्सल इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर कन्फ्योगेशन जो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आ, उसका एटोमिक रेडियज अ रेडियस बढ़ रहा है एंड आईनाइशन रेडियस स्वेप भी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं ऐसे ही सिक्वेंस रहेगा सिक्वेंस चेंज नहीं होगा ओनली यद रखना है मैग्नेशियम हाई सॉलिबिलिटी शो करेगा ई बेरियलियम प्रेजेंट नहीं रहेगा तो बेरिलियम है तो बेरियम से स्टार्ट बेरिलियम से स्टार्ट होगा एंड मूव करेगा ये बेरियम तक ऑप्शन में है तो बेरियम तक जाएगा ठीक है िटी ऑफ बी एस सीओ थ्री सी एस थ्री ठीक है अभी हम कार्बोनेट फॉर्म में आ रहे हैं बी एस थ्री सी एस सीओ थ्री एंड एमजीसी थर्मल स्टेबिलिटी किसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा आपका बेरी लियम का यहाँ पे बेरिलियम का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पहले देखो ऑप्शन में क्या क्या है MgCO3 है बी एस सीओ थ्री एंड सी एस सी ओ थ्री है तो आपको जिस में ना, उसको ही देखिएगा बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ ए फ्लू टू रेजिस्ट ब्रेकिंग डाउन अंडर द हीट स्ट्रेस हम यहाँ पे ब्रेक करने से मना करें दैट इज द हम यहाँ पे रजिस्ट कर रहे हैं ठीक है तो बी एस सीओ थ्री सी एस सी ओ थ्री एंड एम जी सी ओ थ्री अगर ऑन दी बेरियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है तो उसका सीक्वेंस थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट हो जाता है थोड़ा सा उल्टा होता है बट सी थ्री अगर ज्वाइन कर गया तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी चेंज हो जाता है तो बी ए सी थ्री का सबसे थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके बाद सी ए सी थ्री का दैन एम जी सी थ्री का ऐसे बोलेंगे ये भी रॉन्ग है आपको याद रखना है एम जी सी थ्री मिडिल है आपको ऑलवेज बेरियम सी ओ थ्री सबसे ज्यादा है उसके बाद एम जी सी ओ थ्री है उसके बाद सी ए सी ओ थ्री है राइट

एमजे सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री के टू सी ओ थ्री एंड पी बी टू सीओ थ्री सो इसलिए आपका के आ गया तो के आपका मेंशन करना है के टू आ गया तो वो ग्रुप वन का है तो ग्रुप वन का जो भी है ना थर्मल स्टेबिलिटी आपका आल्काली जो सारे अलकाली मेटल्स हैं सोडियम है केट है, है ये सारे अलकाली मेटल्स हैं तो अलकाली मेटल्स के जो भी हीटिंग पॉइंट्स हैं और थर्मल स्टेबिलिटी है वो ग्रुप टू से बहुत ज़्यादा है अच्छा है सो so दैट यहाँ पे मेंशन करना है कि आपको और क्या पता है एम जी सी ओ थ्री यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑन हीटिंग ये डिकॉम्पोज हो जाता है देन नेक्स्ट देखिए इन हुइच ऑफ द फॉलोइंग रेडियस इज स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस काटाइन के अकॉर्डिंग होता है जितना काटाइन बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग रेडियस स्मॉलेस्ट होता जाएगा ठीक है कार्टाइन नंबर देखिए यहाँ पे टू प्लस है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे टू माइनस है माइनस थ्री है तो इनका साइज ना बहुत बड़ा है सबसे ज्यादा साइज सबसे बड़ा साइज किसका है काटाइन नंबर जब बढ़ता है तब होता है यहाँ पे तो एनआईन नंबर बढ़ रहा है तो ये दोनों को तो हम नहीं करेंगे तो इसका सबसे हाएस्ट है इसका सबसे लोएस्ट है ठीक है ये तो आयन में हमने हमें मेंशन किया गया है कि रेडियस कैसे बढ़ता है तो रेडियस के लिए कैटाइन नंबर्स को चेक किया जाता है कैटाइन कितने हैं आयन सो उसके अकॉर्डिंग होता है ठीक है नेक्स्ट जिप्सम सॉल्ट का मैंने अभी बोला था दैट इज सी एस ओ टू एस टू जिप्सम सॉल्ट के लिए होगा जिप्सम सॉल्ट के लिए सी एस ओ याद रखिएगा एप्सम होता तो एम जी एस ओ टू एस टू ठीक है नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मुला याद रखिये सी ए सी ए से स्टार्ट होगा बट कैल्सियम कार्बाइड है तो सी आई ओ टू होल टू ठीक है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट चलते हैं फॉलोइंग क्लोराइड इज कोवलेंट कौन सा क्लोराइड uh, कोवेलेंट है ऑलवेज याद रखियेगा एक चीज मैं आपको बताती हूँ क्लोराइड में क्या होता है सपोज ये काटाइन नंबर जितनाट कर सकता है तो क्लोर है, तो है टू बेरेलीम का नंबर कितना है दैट इज टू प्लस सो दैट यहाँ पे क्या हो गया सेम हो गया तो ये कोवेलेंट है ये क्लोराइड फॉर्म कोवेलेंट है बेरिलियम क्लोराइड आपका कोवेलेंट सो so, करता है कोवेलन बॉन्ड बाकी सबके उतने नहीं है बिकॉज ये बी ए जो है ये प्लस है सीएल टू का आपका टू uh, माइनस होता है so सो नहीं होगा एन एस सी एल का भी नहीं होगा एंड बाकी एन एस सी एल ऐसे भी आपका क्या है कि वो ग्रुप वन uh, से बिलोंग करता है सी ए सी एल टू बी ए सी एल टू एंड बी ई सी एल टू के अंदर आपको चेक करना था तो उसके अकॉर्डिंग आपका बी ई सी एल टू का बेरिलियम क्लोराइड का ही कोवेलन से ज्यादा है कोवेलन बॉन्ड नेक्स्ट द मेटल दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वाटर ऑलवेज याद रखिएगा ये मैग्नीशियम होगा सी वाटर से जो मिलता है वो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम है ठीक है मैग्नीशियम है नेक्स्ट चलते हैं दैट इज कायसेराइट कायसेराइट इज एन ओरे ऑफ डैश मैग्नीशियम से ही निकलता है मैग्नीशियम का ही ओरे है कायसेराइट ठीक है अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड व्हिच हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ केएसपी सोलिविलिटी प्रोडक्ट एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोला गया अगेन थर्मल स्टेबिलिटी में चलिए तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में वो लोएस्ट वैल्यू शो करता है कौन से ऑर्डिनेरी टेम्परेचर में तो वो होगा आपका थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको याद है ये लो टेम्परेचर में भी शो so हो सकता है इसका स्टेबल हो जाता है इसलिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ठीक है नेक्स्ट द एलिमेंट डिजॉल्विंग इन डायल्यूट HNO3, nitric acid, to give hydrogen is dash. ठीक है हम किसके साथ कौन सा एलिमेंट डिजॉल्व होगा डाइल्यूटेड एच एनओ थ्री में सो so हाइड्रोजन मिलेगा रिमेम्बर करिए एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्ट कौन करेगा मैग्नेशियम सो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा एमजी एनओ थ्री मेंच प्लस निकल जाएगा ठीक है नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पैरिस इज मेड दैट इज अभी हम करके आए थे ये क्वेश्चन जिप्सम देन नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस ही एलुमिनियम ऑक्साइड एलुमिनियम ऑक्साइड क्या होगा एलुमिनियम ऑक्साइड होगा आपका नेक्स्ट ये पी ब्लॉक एलिमेंट पे हम गए, पी ब्लॉक एलिमेंट में एलुमिनियम है, तो उसमें ये चीज होता है हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस ठीक है टू एग्जाम्पल्स ऑफ एटमोस्पेरिक ऑक्साइड ये एल टू ओ थ्री है एंड चिंक ऑक्साइड है एलुमिनियम ऑक्साइड एंड चिंक ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स हैं ठीक है जिंक ऑक्साइड एलुमिनियम ऑक्साइड देन नेक्स्ट चलते हैं व्हाट वुड व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ यू ऐड विद द सेकंड एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू ए सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH सॉल्यूशन टू एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ एलुमिनियम क्लोराइड क्या होगा जब हम एक uh, पूरा सेक करके एक डाइल्यूटेड

क्या परमानेंट प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा इमीडिएटली या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन जो चेंज होना था वो नहीं होगा फिर उसके बाद वाइट प्रेसिपिटेशन आएगा फिर वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा या लेटर आपका डिजॉल हो जाए या एच सी एल गैसरेटेड होगा तो क्या होगा नॉर्मली यहाँ पे आंसर देखिए वाइट प्रेसिपिटेशन होगा जो कि बाद में डिजोल्व हो जाएगा ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सी इज करेक्ट ओके वाइट प्रेसिपिटेशन आएगा सब मैक्सिमम रिएक्शन करके एच सी एल गैस को निकाल देंगे बट करेक्ट आंसर है प्रेसिपिटेशन जब ए एल आपका एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है देन व्हाइट प्रेसिपिटेशन आता है कंपोजिशन ऑफ क्रायोलाइट क्रायोलाइट इज डैश क्रायोलाइट सोडियम से बनता है सोडियम एंड एल्यूमिनियम एंड आप एफ ए एल एफ सिक्स दैट इज एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स ये होता है उसका कंपोजिशन ठीक है ये इसका कंपोजिशन है राइट right. इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है? हम चलते हैं is, अभी मैं का रही थी, तो आपको बहुत अच्छे से याद है ना सोडियम एंड मैग्नीशियम सोडियम किसका दैट इज एन है तो ये ब्लॉक एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट का अगेन ये आता है किसमें ग्रुप वन में मैग्नीशियम ग्रुप आपका टू में आ जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट में नियॉन आपके अदर ग्रुप्स में आता है एंड एलुमिनियम आपके पी ब्लॉक एलिमेंट पे आएगा एलुमिनियम आपके पी ब्लॉक एलिमेंट पे आएगा ओके okay? सो so, उस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है यहाँ पे थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे अदरवाइज नहीं होगा सो so, इतना याद रखिए नेक्स्ट चलते हैं एलुमिनियम कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द Al2O3 केमिकली बाय द एक्शन ऑफ डैश पोटेशियम के साथ जब रिएक्ट करता है ना तब जाके ये होता है

बट uh, uh, आपका फॉर्मेशन होगा मतलब exactly जो आपका होना चाहिए वो होता है बी बी तो उसके साथ अटैच होगा ऐसा एच सिक्स एच यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे बॉन्ड कहाँ पे फॉर्मेशन हो गया बीबी के अंदर फॉर्मेशन हुआ तो ऐसा होगा आंसर करते हैं चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का formula अभी करके आते हैं, Na3AlF6। सो so, ये क्या है उसका फंक्शन क्या है फ्लोर्स का फंक्शन क्या है आप जब डिजोल्व करते हो क्रायोलाइट में कोई भी एलुमिनियर को तो टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द मेल्ट

अर्थ क्रस्ट में कौन सा चीज सबसे ज्यादा मिलेगा जैसे कि आपको पता था कि सी वाटर से कौन सा एलिमेंट मिलेगा मैग्नीशियम वैसे ही अर्थ क्रस्ट से मिलेगा एलुमिनियम ठीक है नेक्स्ट ए एल सी एल थ्री एलुनियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन डायमर बिकॉज एग्जिस्ट इन डायमर बिकॉज ये किस लिए होता है दैट इज एल ग्रेटर

गलेना एंड सैरासाइट दैट इज ये दोनों जो ऑप्शन है ना गलेना सेरासाइट हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट ये दोनों जो ऑप्शन है इसमें जो चार ऐसे कंपाउंड फॉर्मेशन है वो सारे मिनरल से कैरी करते हैं करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चनिटी प्रेजेंट इन दर कॉल्ड गोलते हैं गॉन्च दैट इज गैंस भी कोई बोलते हैं या फिर गांज ठीक है जो भी ओर में कोई भी ओर में अगर इम्प्योरिटीज हो उसको गांध बोलते हैं ठीक है देन नेक्स्ट द क्स्ट हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स अगर ऐसा कोई और जो कि दो डिफरेंट मेटल एटम्स को कैरी करता है देन उसे क्या बोलेंगे अगर हाँ फिर से ऊपर का क्वेश्चन देखिए मैग्नेटाइट एंड हिमाटाइट ये सेम मेटल्स कैरी करते हैं एंड तालामाइन भी अगर प्रेजेंट रहता है कैलामाइन में सेम मेटल कैरी करता है सो so यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा कानालाइट कानालाइट करेक्ट आंसर है कानालाइट ओके कानालाइट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं अगेन

आपका ये रिएक्शन करता है डिसमर कन्वर्टर में ये हो गया आपका ऑप्शन सी सी टू एस ठीक है प्लस दैट इज द आपका सी यू टू एस प्लस टू सी टू ओ ऑक्साइड के साथ कपड़े के ऑक्साइड के साथ ये कर रहा है जॉइन कर रहा है तब जाके एस टू फॉर्म करेगा एंड कपर रिलीज होगा ओके नेक्स्ट रोस्टिंग ऑफ कपर पाइराइड्स इज डन बाय डैश

स्मेल्टिंग प्रोसेस करेंगे स्मेल्टिंग कोक एंड सेंट के साथ क्या करेंगे हम यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा दैट इज सी यू टू एस प्लस एफ एस ठीक है ये मिलेगा हमें देन नेक्स्ट

ठीक है पिग आयरन में ऑप्शन है ग्राफाइट सल्फर ऑक्सीजन सिलिकॉन ठीक है दैट इज अ ग्राफाइट ग्राफाइट ठीक है ग्राफाइट प्रेजेंट रहेगा ग्राफाइट याद रखिएगा ठीक है सो आई होप इतना आपको कुछ हेल्प कर सके बिकॉज और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है और भी मैक्सिमम अभी फाइव हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स नहीं किए हो मतलब सब्सक्राइबर्स हो प्लीज हमारे साथ कनेक्ट करना थ्रू आउट वीडियो देखना एंड जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस थैंक यू